अब व्हाट्सएप की तरह फेसबुक मैसेंजर में भी गलती से सेंड किए हुए मैसेज को डिलीट करें। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह आप फेसबुक मैसेंजर पर गलती से सेंड किए हुए मैसेज को डिलीट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी के साथ। और एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिसको आपने एक बार कर लेना है और इसके बाद फेसबुक मैसेंजर की कोई भी नई अपडेट आएगी तो वो सबसे पहले आपको टेस्ट करने के लिए दी जाएगी। पिछली वीडियो में मैंने साल 2019 में फेसबुक में आने वाली 7 अपडेट्स बताई थी, जिसमें से एक ये है जिसको फेसबुक वालों ने लॉन्च कर दिया है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ बने बेल आइकन को दबा लेना ताकि इस तरह की नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले अपने मोबाइल में इंस्टॉल हुआ जो मैसेंजर का पुराना वर्जन है उसको सबसे पहले अनइंस्टॉल कर दें। जब वो अनइंस्टॉल हो जाए तो अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन करें और गूगल पर सर्च करें मैसेंजर बीटा। अब यहाँ पर जो आपको सबसे पहले लिंक नज़र आ रही है इस पर क्लिक करें। पेज के नीचे आपको बिकम अ टेस्टर का एक बटन नज़र आएगा, एक ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। अगले पेज पर आपको एक डाउनलोड ऑन गूगल प्ले का ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर आपने क्लिक करके प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और इस मैसेंजर के बीटा वर्जन को इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो आपको मैसेंजर के नाम के एंड पर एक बीटा लिखा हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर एक बात याद रखें कि आपकी प्ले स्टोर और गूगल क्रोम पर सेम जीमेल की आईडी लगी होनी चाहिए। अगर आपने अलग-अलग आईडी लगाई है तो आपको सबसे पहले इसको चेंज करना पड़ेगा। अपने दोनों जगह पर एक ईमेल आईडी कर लेनी है, उसके बाद इसे इंस्टॉल कर लेना है। ये मैसेंजर का वो वर्जन है कि फेसबुक वाले जब भी कोई नई अपडेट निकालेंगे तो सबसे पहले इसमें ऐड करते हैं और ये अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगी। बस आपने जब भी इसकी कोई अपडेट आए तो आपने इसे रेगुलर अपडेट कर लेना है। सेंड किए हुए मैसेज को डिलीट करने के लिए आपने सेंड किए हुए मैसेज पर क्लिक करके रखना है। जब नीचे ऑप्शन ओपन हो जाए तो आपने रिमूव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको व्हाट्सएप की तरह दो ऑप्शन मिलेंगे, एक ऑप्शन है रिमूव फॉर यू और एक है रिमूव फॉर एवरीवन। जब आप रिमूव फॉर एवरीवन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो सेंड किया हुआ मैसेज है वो रिसीवर की चैट हिस्ट्री में से भी डिलीट हो जाएगा। मजीद नई नई वीडियो की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल सके।